नया पप्पू, यूपी का पप्पू अखिलेश यादव को बोला जाता है। अब हम क्या बोले, पूरा विपक्ष एक हो गया, दीदी कह के गई है खेला होगा यूपी में, उनका खदेड़ा हो गया। हाँ, बंगाल में ना 3 सीट 77 पहुंच गए, ईमानदारी से लड़ी होती तो काम उनका खत्म हो गया होता। लोगों को लगी मारने काटने, तो आदमी वहां जाके कमा खा रहा है, इसलिए डर के कहा यार जीए खाए के एटीएम दे दे के। ममता डाई नहीं, ममता कहीं, ममता कहीं कुछ ना हो यहाँ पर। बताइए, आप युवा है, आप ये योगी मोदी की टी शर्ट पहने हुए हैं यहाँ पे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवा परेशान है इस सरकार से, देखना तक नहीं चाहते हैं योगी जी। मैम, कोई युवा नहीं परेशान, जितने भी सपावादी सोच के रखते हैं वो युवा परेशान है। क्या है ये सपावादी सोच? मैं क्या गुंडागर्दी करना, कल का आपने देखा होगा रैली में पुलिस वालों पे डंडों से मार रहे हैं, तो उनको वैसी सरकार चाहिए जिन पे वो अत्याचार कर सके। दीदी तो गुंडागर्दी का आरोप इन पे लगा रही है कि मुझे काले झंडे दिखाए गए, बीजेपी ने ऐसा किया। हिंदूवादी के विरुद्ध जो भी गलत सोच रखेगा उसको हम काले झंडे क्या हर तरह के कुछ दिखा सकते हैं। युवाओं के मन में क्या चल रहा है अभी काशी? मैडम, युवाओं के प्रति अच्छा चल रहा है, बीजेपी सरकार जीतेगी उससे ज्यादा रोजगार लाएगी और क्या। अखिलेश यादव नहीं चाहिए युवाओं को? बिल्कुल नहीं मैडम, रोजगार नहीं चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं रोजगार मैं ही दे पाऊंगा, कहाँ से रोजगार देंगे? अपना चार अपने घर से पैदा करेंगे रोजगार। हमारा नाम यशपाल सिंह पड़ेगा, यशपाल सिंह। चार बार उनका शासन रहा है, चार बार में जितना दिए हैं मुलायम और अखिलेश रोजगार, उतना निकाल कर देख लें। और उतना इसमें बाबा ने 3 साल में दे दिया है। मैं 72825 का विक्टिम हूँ, और मेरे खिलाफ, बच्चों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई सरकार पहली बार गई थी, जो अखिलेश सरकार थी, बच्चों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, और हम लोग वहाँ भी जीत हासिल किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में भी गए। हम लोग क्या बताएं इनको, और ये कह रहे हैं कि रोजगार दे देंगे। रोजगार क्या देंगे, घंटा देंगे? ये हमारी उम्र 40 साल हो गई, क्या हम इसके पहले DM थे? 3 साल में बाबा क्या दे देंगे हमको? आंकड़े दिखा रही है बीजेपी, वो सिर्फ हवाबाजी। अपना तो आंकड़ा दे दें, चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पिताजी लेकर, वो और वो तो बलुआ का 2 पिलर नहीं खड़ा कर पाए 5 साल में। बलुआ घाट का 2 पिलर 5 साल में नहीं खड़ा कर पाए, और विकास कर देंगे। एक पुल बनाने में 12 साल लग गए। वो कहते हैं कि जितना काम बीजेपी गिनवाती है सब प्रोजेक्ट मेरा है, फीता इन्होंने काटा। भैया फीता जो, तो फीतवा काट लिया होता अपने पिताजी का, फीतवा क्यों नहीं काट लिए? पिताजी के काम का फीता नहीं काट पाया, जो वो अपना काम कितने जिंदगी में करता। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहता है कि हम बनवा दिए हैं, एक बिस्सा जमीन का कागज दिखवा दें कि वो खरीद लिए थे। ऐसे कहीं एक ठो खंभा गाड़ दिया कर दिया कि शिलान्यास हो गया। अच्छा, दीदी भी आई थी सर, बोल के गई है कि खेला होगा उत्तर प्रदेश में। वो तो छोड़िए, वो तो पागल हो चुकी हैं। अच्छा? दीदी का छोड़ दिए, दीदी को हम देखे हैं, दीदी नाराज थी। दीदी तो अपना नंदीग्राम नहीं बचा पाई। अगर फिर से अब सोचिए कि बंगाल में एक चौथे नंबर की पार्टी को हराने के लिए पहले दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी एक हो चुकी थी, तब जाकर हारी है। अगर नहीं, दूसरे चरण में एक नहीं हुए होते तो वहाँ भी बीजेपी जीत जाती। अपना सीट दीदी बचा नहीं पाई, वो तो नंदीग्राम खुद है, हर उनके साथ खेला हो गया। सुनिए, कह रही है कि जो बंगाल में बीजेपी की हालत हुई थी वही यूपी में भी होगी। बंगाल में कहाँ क्या हालत हुई थी? तो आई थी, कुछ नहीं कर पाई। बंगाल को हमने नहीं, उस चौथे यहाँ पे चौथे नंबर की पार्टी भाजपा नहीं है, यहाँ पे पहले नंबर पे है, और वहाँ पे चौथे नंबर की पार्टी को हराने के लिए प्रथम तीनों पार्टियां एक होती थी, लेफ्ट, कांग्रेस और TMC एक होकर तो भरा पाए। यहाँ भी तो दीदी बोल के गई है कि गठबंधन को वोट करिए। हमने क्या कहा है कि जैसे जैसे असुर जब चिल्लाते हैं कि देवी को हराने के लिए सारे असुर एक हो जाओ, वैसे ही बीजेपी को हराने के लिए सारे असुर एक हो जाओ वाला नारा लगा रहे हैं, कि डर दिखाया जा रहा है कि एक हो जाओ नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या डर दिखा रहे हो यार, इतने दिन तो क्या कहां थे हम, घंटा हिला रहे थे? ये बताइए, बुलडोजर चलवा रहे हैं कि साइकिल? अरे क्या नाम है? हितेश चलानी। ये बताइए, कुछ बोल रहे थे आप दीदी को लेके, दीदी नाराज होके गई है? दीदी कहीं यूपी
बीजेपी से कोई संबंध ही नहीं। यूपी में योगी जी को खुद दिल से सब चाहते हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं हिंदुओं के लिए। हमारे राम मंदिर का इतना बढ़िया मैम बनवाया, काशी विश्वनाथ टेम्पल इतना। दीदी का कोई संबंध नहीं है यूपी से, सपोर्ट करने आई थी अखिलेश यादव को और उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, बोल रही है कि योगी जी ने करवाया कि ना। मैम मोदी जी वहां पे गए थे तो मोदी जी का भी तो हेलीकॉप्टर उन्होंने रुकवा दिया गया। उन्होंने वो लोकतंत्र का पालन कर रही हैं, उनको पालन करना आ रहा है। अगर वो जैसा करेंगे उस हिसाब से फिर जनता तो देख रही है ना मैम, उसका जवाब जनता देगी। जनता ने बदला लिया है जो बंगाल में वही किया जा रहा है ना मैम, माइंड में तो यही बैठा है। योगी जी कर रहे हैं, ये संत होने का ढोंग करते हैं, गुंडा राज है इनके टाइम। यहाँ पे तो इतना दिल से योगी और मोदी जी को माना जाता है कि उनके लिए तो हजारों कार्यकर्ता मैं लाखों कार्यकर्ता उनके लिए निछावर हो जाएंगे। अच्छा, योगी जी को टक्कर कौन दे रहा है? कुछ नहीं मैम, टक्कर नहीं है यहाँ पे, टक्कर कुछ नहीं है। और घोड़े की रेस नहीं होती, ठीक है? अखिलेश यादव गधे हैं, गधे और घोड़े की रेस नहीं होती, ठीक है? वन साइड योगी जी आराम से 250-280 इस तरह आएगी। नई सपा है, नई हवा है, लेकिन चांस नहीं मैम, कोई चांस नहीं। अब हवा उड़ी है, कुछ उड़ने दिए। 10 तारीख को देखिए सपना सब नई सपा है, नई हवा है, जो कल अब्बास ने बोला था। अब्बास ने बोला कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होने देंगे, सबकी औकात निकाल देंगे, यही तो हुआ है। अभी अभी वो जीते नहीं है, अभी वो जीते नहीं, उसके बाद औकात दिखा रहे हैं। और अब रायबरेली में आरपी यादव कह रहे हैं कि जितने भी सवर्ण दिखेंगे उनको 6 महीने तक उनकी औकात दिखा कर रखेंगे। वो भी तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी देखिए बीजेपी की, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे बता दें 25,000 के ऊपर का एक भी इनामी बता दें जो जेल के बाहर है। मैम कल ही हो 25,000 के ऊपर का एक भी इनामी बता दें जो जेल के बाहर है। यादव से पूछा जाता है गुंडा राज पे तो बोलते हैं योगी जी ही सबसे बड़े गुंडे हैं। उनको उनको तो छोड़िए, अब हम क्या बताएं। ये तो एक अब ये नया पप्पू, यूपी का पप्पू अखिलेश यादव को बोला जाता है। अब हम क्या बोले, क्यों कह रहे हैं उनको पप्पू? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं या वो 12वीं के बाद 10वीं पास करा रहा है? बोल तो रहा 12वीं के बाद जो 10वीं पास करेगा उसको लैपटॉप हम देंगे। आप बताइए हम क्या बात करें। मैम लालच देना, बस लालच और कुछ नहीं, खाली इलेक्शन के टाइम पे लालच देना पब्लिक को, और कोई काम इन्होंने किया नहीं। नहीं तो अगर वो हिंदू लोगों के सपोर्ट में खड़े रहते तो आज बीजेपी यहाँ पे जगह नहीं बनाती, उनकी जगह रहती। कहा कि वो 20-25 साल से उनके पापा काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ इतना गलत किया है उन्होंने, आज बीजेपी इस स्टैंड पे हो गई कि उनको जीरो करना पड़ा मजबूरी में हम लोग को। अच्छा, ये बताइए कौन सरकार बना रहा है? सरकार योगी जी बना रहे हैं, बाबा ही बना रहे हैं। भगवान छाएगा, बुलडोजर फिर आएगा। ये बताइए जय श्री राम का नारा तो लग रहा था कृष्णा जी, अभी दीदी आई थी तो भी लगाएगा जय श्री राम के नारे और काले झंडे दिखाएगा, दीदी नाराज हो गई हैं। दीदी से नहीं मतलब है, हमें अपने से मतलब है, मैंने भगवान को अपनाया, भगवान अपनाओगे, जय श्री राम। तो किसको ला रहे हैं यूपी? योगी को लाएंगे जी। अखिलेश यादव को क्यों नहीं ला? नहीं अखिलेश यादव नहीं, गुंडा राज नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए। अखिलेश आएंगे तो गुंडा राज आएगा, बिना आए देख रहे कितना गुंडा ही हो रहा है, जब आ जाएंगे तो कितना गुंडा ही होगा। वो तो कह रहे हैं कि योगी राज में सबसे ज्यादा गुंडा राज, किसी भी तरीके से सरकार चाहिए लूटने के लिए बस। कोई भी पूरा विपक्ष एक हो गया है, दीदी कह के गई है खेला होगा यूपी में, उनका खदेड़ा हो गया। हाँ बंगाल में ना 3 सीट था, 77 पहुंच गए, ईमानदारी से लड़ी होती तो काम उनका खत्म हो गया होता। अच्छा। लोगों को लगी मारने काटने, तो आदमी वहां जाके कमा खा रहा है, इसलिए डर के कहा यार जीए खाए के एटीएम दे दा यही के। अच्छा। ममता डाई नहीं। हाँ ममता कहीं, ममता कहीं कुछ ना यहाँ पर। कि योगी जी डर गए थे मेरे आने से इसीलिए ये सब कर भाई। देखिए ये सब झूठ का पुतला है, बनारस ये सब पूरा विपक्षी खाली झूठे बोल रहे हैं। अखिलेश करे 400 सीट जीता था। हम लोग क्या करे, भंटा बूझा 400 सीट तो लड़ भी नहीं क्या 400 सीट? अरे उनकर 100 सीट के ऊपर नच जाई, नच जाई। राम के सुहाने सपने एकदम। अखिलेश यादव, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी ये बताइए साइकिल चलवा रहे हैं या बुलडोजर चलवा रहे हैं? हम बुलडोजर चलवाएंगे। हाँ रोड पर गाय भैंस नहीं देखना है, रोड पर गाय भैंस को चरवाना नहीं है, हमको शांति से जीना है, शांति से रहना है। इस आएगी तो शांति नहीं रहेगी? नहीं शांति नहीं रहेगी। साइकिल 5 साल पहले भी तो साइकिल थी, 5 साल पहले गुंडा राज था।
सब शोषण होता था, हर आदमी, हर व्यापारियों का शोषण, हर वहाँ गुंडा राज, माफिया राज चलता था। दूसरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत चतुर्वेदी है। ये बताइए चतुर्वेदी जी, 7 तारीख को मतदान होना है यहाँ पे और योगी जी के अगेंस्ट में पूरी पार्टियाँ दम लगा रही हैं, तो क्या इस बार योगी जी को हटाने का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा? नहीं, कतई पूरा नहीं होगा। योगी जी आ रहे हैं और पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं, 300 प्लस के साथ आ रहे हैं। 300 प्लस लेके आ रहे हैं, अखिलेश यादव 400 का दावा कर रहे हैं। वो उनके उनके जो दावे हैं हवा, उनका मिला के 400 हो गया। उनके दावे जो है सिर्फ उनकी बातें सुन लीजिए और कुछ नहीं है, हवा हवाई दावे हैं उनके। बताइए क्या ऐसा काम कर दिया है कि आप लोग योगी योगी मोदी मोदी कर रहे हैं? नहीं, आप जो जो भी काम है दिख रहे हैं, चाहे मैं वाराणसी की बात करूं, देश की बात करूं, हर जगह जो उन्होंने काम किया है वो दिख रहे हैं जी। अखिलेश यादव भी काम पूछते हैं, कहते हैं आराम किया है सिर्फ योगी जी ने। 70 साल तक लोगों ने राज किया, आज 7 साल में, इधर 4-5 साल में जितना कार्य पूरे यूपी में, भारत में हुआ है 70 साल में कोई नहीं किया था। अच्छा, क्या काम हुआ है? रोड देख लीजिए, बिजली 24 घंटा, अनाज भी सबको फ्री में मिल रहा है, किसान को सम्मान निधि मिल रहा है, शुरुआत में आवास मिला, शौचालय मिला। शुरू में जब आए तो उस सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके सुरक्षा है तो आप सबसे बड़ा सुरक्षा है इस समय। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। तो यहाँ पे मैं बनारस में थी और मेरे साथ बनारस की जनता थी और यहाँ पे मोदी जी भी आज आए हुए हैं और यहाँ पे माहौल आप देख रहे होंगे, लोग योगी योगी ही कर रहे हैं, अखिलेश जी का नाम तक यहाँ पे मुझे सुनने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है 10 मार्च को कौन आ रहा है? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।